दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा और विराट कोहली को महान खिलाड़ी मानते हैं तो टीम इंडिया को विश्व चैंपियन बनते भी देखना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, टीम इंडिया के खिलाफ मिली करारी हार के बाद जब गुस्सा आया ऑस्ट्रेलियाई फैंस ने ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों को स्टेडियम के बाहर जमकर पिटाई की तो इसके बाद डेविड वार्नर के आंसू तक निकल आए और अब भारतीय फैंस से लेकर भारत देश पर टिप्पणी करते हुए डेविड वार्नर ने जो बयान जारी किया उनकी बातें सुनकर आपको भी हिंदुस्तानी होने पर गर्व होगा। तो आखिर क्यों कंगारू टीम पर हुआ जानलेवा हमला? ऐसा क्या कुछ कहा आंखों में आंसू लिए डेविड वार्नर ने? करोड़ों फैंस के दिलों को छू लेने वाला उनका पूरा बयान तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है रोहित कोहली और वार्नर में कौन सबसे खतरनाक बल्लेबाज है? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, जीत के मुकाम पर खड़ी ऑस्ट्रेलिया के जबड़े से कोहली और राहुल अपनी करिश्माई बल्लेबाजी से जीत को छीन लाए और हिंदुस्तान को एक यादगार जीत दिलाई। लेकिन दोस्तों, ऑस्ट्रेलियाई फैंस अपनी टीम को एक करारी हार बर्दाश्त नहीं कर पाए और ऑस्ट्रेलिया के लिए एक दिन बुरे सपने से भी बदतर साबित हुआ। जी हां, आपको बता दें, जब ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी स्टेडियम में वापस लौटने के लिए रवाना हुए तो वहां गुस्साए ऑस्ट्रेलियाई फैंस और खुश भारतीय फैंस मौजूद थे, जिन्होंने ऑस्ट्रेलियाई खेमे को देखकर उन्हें गालियां देना और उन्हें चढ़ाना शुरू कर दिया। हालांकि माहौल शुरू में बहुत खुशनुमा था, जहां केवल उनका मजाक बनाया जा रहा था, लेकिन देखते ही देखते कुछ असामाजिक तत्वों की वजह से अचानक से माहौल ने करवट ली। दरअसल कुछ लोगों ने ऑस्ट्रेलिया पर हमला कर दिया और उनके पास कुछ खतरनाक चीजें भी थी, जिससे वह ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों को घायल करने का प्रयास करने लगे। अचानक से बहुत बड़ी भीड़ ने ऑस्ट्रेलिया टीम को घेर लिया। जी हाँ दोस्तों, सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि किसी को कुछ समझ ही नहीं आया कि आखिर ये हो क्या रहा है। पुलिस बल और सिक्योरिटी भी हक्का बक्का रह गए। अचानक से ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी भीड़ के हाथे चढ़ गए। उन लोगों के सिर पर तो खून सवार था, वह केवल ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों को सबक सिखाना चाहते थे। ऐसा लगा था कि आज तो उनकी शामत आ जाएगी। हालांकि पुलिस और सिक्योरिटी ने मौके की नजाकत को भांपते हुए तुरंत भीड़ पर काबू पा लिया और उन्हें वहां से सुरक्षित स्थान पर निकाल ले गए। उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों को एक खरोंच तक नहीं आने दी, लेकिन भीड़ जिस तरह से बेकाबू थी ऐसा लग रहा था कि आज यहां पर लाठी चार्ज तक करना पड़ जाएगा। जी हां दोस्तों, ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों के साथ हुई इस दर्दनाक घटना ने पूरे क्रिकेट जगत को झकझोर दिया है और कोई हैरान है कि आखिर फैंस अपने चहेते खिलाड़ियों के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। हर तरफ अपनी तफरी मची हुई थी तो वहीं डेविड वार्नर की तो आंखों में आंसू तक आ गए। अब उन्होंने हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियों पर जो बयान जारी कर दिया, सच में आप भी उन्हें दिल से सलाम करेंगे। जी हाँ दोस्तों, वार्नर ने कहा कि मैं अभी भी अपनी आंखों पर भरोसा नहीं कर पा रहा हूँ कि आखिर ये हुआ क्या है। हमारे क्रिकेट फैंस थे, वो हमें सपोर्ट करने के लिए आए थे, लेकिन वो हमारे साथ ऐसा करेंगे, ऐसा मैं सपने में नहीं सोच सकता। इस कारण मुझे भारत में रहना इतना पसंद है। भारतीय फैंस मुझे दुनिया में सबसे ज्यादा अच्छे लगते हैं, क्योंकि वह चाहे कितनी भी मुश्किल घड़ी आ जाए अपनी टीम का साथ नहीं छोड़ते। यहाँ तक कि वह विदेशी खिलाड़ियों को भी इतना प्यार और अपनापन देते हैं जितना हमें अपने घर में भी नहीं मिलता। सच में मेरी आंखों में तो आंसू आ गए। इस घटना ने मुझे अपने पूरे तरीके से तोड़ दिया है। मुझे तो अब लग रहा है कि मुझे भारत में ही बस जाना चाहिए, क्योंकि भारतीयों जैसा साफ दिल और उनके जैसा प्यार आपको दुनिया में कहीं नहीं मिल सकता। सच में भारत देश और यहाँ के लोग महान हैं। तो दोस्तों, सच में डेविड वार्नर ने तो आज ऐसी सच्चाई दुनिया के सामने रखी जिसे कोई मानने को तैयार ही नहीं था। लेकिन अब आपको क्या लगता है, कौन सी टीमें होंगी, दो टीमें फाइनल में पहुंच जाएंगी? इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, इंग्लैंड या फिर कोई और? अपनी कीमती राय में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और खेल जगत से जुड़ी ऐसी नई नई खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।